हेलो गाइस, लास्ट में हमने थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस, ये तीन ग्लैंड्स देखे थे। इस बार एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट फोर में हम देखेंगे एड्रेनालिन ग्लैंड, पैंक्रियास, किडनी और लीवर। ये चार ग्लैंड का स्टडी करेंगे, देखेंगे एक एक पार्ट। फर्स्ट एड्रेनालिन ग्लैंड या फिर सुप्रा रीनल ग्लैंड या फिर इमरजेंसी ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड इसलिए कहेंगे क्योंकि ये किडनी के ऊपर के साइड में प्रेजेंट होगा, किडनी के अपर साइड पे ये प्रेजेंट होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सुप्रा रीनल ग्लैंड या फिर एड रीनल ग्लैंड। रीनल मतलब किडनी, किडनी में ऐड होंगी ये ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इसका लोकेशन टॉप ऑफ द किडनी होगा, ऑल्सो कॉल्ड 3F और 4S ग्लैंड। इसकी 3F और 4S ग्लैंड भी कहेंगे। 3F इसलिए कहेंगे क्योंकि ये फियर, फाइट और फ्लाइट, ये तीनों में एक्टिवेट होगा। फियर मतलब डरना, फाइट जब मारामारी करेंगे तब, और फ्लाइट जब प्लेन में बैठेंगे तब ये एक्टिव होगा। यानी डरने के बाद, जो डर के बाद हमारी बॉडी जो मेटाबॉलिज्म फॉर्म करती है वो एड्रेनल ग्लैंड फॉर्म करेगा। 4S सोर्स ऑफ एनर्जी, सेक्स हार्मोन, साल्ट रिटेनिंग और शुगर मेटाबॉलिज्म। सोर्स ऑफ द एनर्जी मतलब ये मेटाबॉलिज्म में काम करेगा, मेटाबॉलिज्म फॉर्म होगा ग्लूकोज से, यानी शुगर मेटाबॉलिज्म भी ये इसमें आएगा। सेक्स हार्मोन भी ये सिक्रेट करेगा मेल और फीमेल दोनों में। सॉल्ट रिटेनिंग, सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन रखेगा बॉडी में, इसलिए इसे 3F या फिर 4S ग्लैंड भी कहेंगे। इसके तो दो पार्ट्स होंगे, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो होगा वो आउटर पार्ट होगा और मेडुला इनर पार्ट होगा, ये वाला पार्ट मेडुला इनर और कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होगा। बोथ पार्ट सिक्रेट डिफरेंट हार्मोन, दोनों पार्ट डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करेंगे। देखेंगे डिफरेंट हार्मोन कौन कौन से ये सिक्रेट करेंगे। अगर कॉर्टेक्स लिए तो कॉर्टेक्स 3 हार्मोन सिक्रेट करेगा, 3 हार्मोन सिक्रेट करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। ये तीनों स्टेरॉइड्स हार्मोन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब ग्लूकोज से ग्लूको लिया है, कॉर्टेक्स सिक्रेट करेगा इसलिए कॉर्टिक, और स्टेरॉइड्स है इसलिए ऑइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसलिए इसका नाम दिया है। सेम थिंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टेक्स से सिक्रेट होगा, स्टेरॉइड होगा और ये मिनरल सिक्रेट करेगा, और सेम सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स स्टेरॉइड से कॉर्टेक्स सिक्रेट करेगा और सेक्स हार्मोन ये सिक्रेट करेगा। देखेंगे एक एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसे कॉर्टिसोल भी कहेंगे। इसका फंक्शन एक्टिवेट इम्यून सेल या इम्यून सिस्टम में टेक पार्ट एक्टिवली करेगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल ये बढ़ाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ाएगा तो मेटाबॉलिज्म में ये टेक पार्ट करेगा। अगर इसका ओवर सिक्रीशन हुआ, ये ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ बॉडी में, तो इसे क्या कहेंगे, कुशिंग डिसीज। कुशिंग डिसीज ये जो फिगर दिया है सामने, ये फिगर ये इसी का एक प्रेडिक्शन है कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अगर ये ऐसा सिम्टम्स कहीं दिखे तो समझ जाना कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ओवर सिक्रीशन है। देखेंगे सिम्टम्स, रेड चिक्स, ये वाले रेड चिक्स, इसके जो चिक्स होंगे ये रेड होंगे, फैट पैड्स लाइक बफेलो हम्प, यानी ये वाला सेक्टर, ये जो ऊपर आया हुआ सेक्टर है ये बफेलो हम्प जैसा दिखेगा, इसलिए ये फैटी टिश्यू ज़्यादा बहेगा बैक साइड में, इसलिए इसे क्या कहेंगे, फैट पैड्स बफेलो हम्प जैसा ही दिखेगा। एब्डोमिनल स्ट्रेच मार्क, एब्डोमेंस पे स्ट्रेच मार्क्स होंगे, जो पेट होगा पेट इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स फॉर्म होंगे। पेंडुलस एब्डोमेन, ये वाला पेंडुलस एब्डोमेन मतलब एब्डोमेन बढ़ने के बाद वो नीचे ऐसा पेंडुलम जैसा हिलता मिलेगा। लेग्स और आर्म्स यानी हाथ थिन रहेंगे, ये थिन होगा, ये थिन आर्म्स एंड थिन लेग्स। ब्रूइश ऑन बॉडीज यानी स्किन का डिसकलरेशन होगा, स्किन का डिसकलरेशन होगा मतलब स्किन का ऊपर का कवरिंग, मेलानिन जो पिगमेंट है आउटर कवरिंग वो निकलेगा, सिर्फ ब्लड के पैचेस दिखेंगे लेकिन स्किन फटेगा नहीं विदाउट ब्रेकिंग। ये सारे अगर सिम्टम्स किसी में पाए जाते तो समझ लेना कि इसे कुशिंग्स डिसीज है, और ये किसकी वजह से होगा,
हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये मिनरल सिक्रेट करेगा, स्टेरॉइड्स होगा, स्टेरॉइड्स ऐसे होंगे कि जिसमें मिनरल्स प्रोड्यूस हो गए, ये ब्लड प्रेशर मेंटेन रखेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, सोडियम एंड वाटर रिटेनिंग बाय किडनी, किडनी के हेल्प से सोडियम और वाटर का बैलेंस ये मेंटेन रखेगा। ओवर सिक्रेशन अगर हो गया तो अल्डोस्टेरोनिज्म ये होगा। इसके सिम्टम्स फटीग, फटीगनेस मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ठीक से नहीं होना, वेट लॉस, वेट झट से कम होगा, डिक्रीज एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा इसमें, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर लो होगा, नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर देखोगे तो 120/80 होगा, इससे इसमें कम हो जाएगा, यानी 80/40 या फिर 100/60 ऐसा हो जाएगा। लॉस बॉडी हेयर्स, बॉडी के हेयर्स निकलते जाएंगे, नॉजिया एंड वोमिटिंग, नॉजिया मतलब फीलिंग्स लाइक वोमिटिंग, और वोमिटिंग मतलब सीधा बाहर आना विद द हेल्प ऑफ एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द ईसोफेगस। ठीक, और थर्ड हार्मोन सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स, ये सेक्स हार्मोन होगा, कॉर्टेक्स रिलीज करेगा और स्टेरॉइड्स होगा, इसलिए इसे सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स नाम दिया है। मोस्टली इसे एंड्रोजन ही कहेंगे, एंड्रोजन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सेक्स हार्मोन्स यानी सेक्सुअल सेल्स फॉर्म करने में ये हेल्प करेगा, मेल और फीमेल दोनों में ये इसे एंड्रोजन कहेंगे। ये फंक्शन होगा प्रिकर्सर और टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन फॉर्म करने में ये हेल्प करेगा मेल में, और ईस्ट्रोजन फॉर्म करने में ये फीमेल में हेल्प करेगा। अगर इसका ओवर सिक्रेशन हो गया तो एड्रिनल विरिलिज्म फीमेल में होगा, ये किसके पार्ट से, फीमेल के, फीमेल में क्या होगा, एड्रिनल विरिलिज्म। अब फीमेल में मेल के कैरेक्टर्स दिखने लगे, मेल लाइक कैरेक्टर्स इन फीमेल, देखें सिम्टम्स इन फीमेल, मेल पैटर्न बाल्डनेस मतलब ऊपर वाले जो बाल है वो क्या होंगे, झड़ते जाएंगे, बाल्डनेस फॉर्म होगा, एक्सेसिव फैशियल हेयर, ये जो 16 एक्सेसिव फैशियल हेयर, ये फीमेल में इतने सारे बाल्स आए, फैशियल हेयर आए, यूजुअली ऑन योर चिक्स, चिन एंड अपर लिप्स, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑफ योर वॉइस, वॉइस का जो पीच होगा वो कम होगा। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हम देखेंगे तो फीमेल की वॉइस की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है जब हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मोन कम हो रहा है, कम हो रहा है तो वॉइस का जो क्वालिटी वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा, इसलिए वॉइस की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पे स्मॉल ब्रेस्ट, ब्रेस्ट स्मॉल रहेगा, एनलार्ज क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो एनलार्ज होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, इंक्रीज सेक्स ड्राइव, सेक्सुअल इंटीमेशन इसमें बढ़ेगा। तो ये जो ये होगा यहाँ पे फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा, एस्ट्रोजन की जगह पे टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होगा, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, तो ये मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा फीमेल बॉडी। अगर मेल में देखेंगे तो जिम्नोमास्टिया, इसे क्या कहेंगे, जिम्नोमास्टिया, इसमें एनलार्जमेंट ऑफ ब्रिस्ट, यहाँ पे दिखाया ये जो ब्रिस्ट सेक्शन है यहाँ पे बढ़ गया है मेल में, तो इसे क्या कहेंगे, जिम्नोमास्टिया। इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा। ठीक, नेक्स्ट एड्रिनल मेडुला, मेडुला क्या कौन से हार्मोन सिक्रेट करेगा, दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करेगा, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहेंगे, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, या फिर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। देखेंगे एड्रेनालिन क्या करेगा, बॉडी रिएक्ट क्विकली, जब भी बॉडी फास्ट एक्शन करेगा तो एड्रेनालिन सिक्रेट होगा, इंक्रीज हार्ट बीट, या हार्ट बीट इंक्रीज करेगा, यानी डरने की सिचुएशन अगर देखी जाए तो क्या होगा, जब डरते तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और हार्ट बीट इंक्रीज होते, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू ब्रेन एंड मसल्स, यूज शुगर एज अ फ्यूल, यानी मेटाबॉलिक रेट यहाँ पे बढ़ेगा बॉडी का। अगर कुत्ता पीछे कर, कुत्ता पीछे लग गया तो क्या होगा, तो हम इतने ज़ोर से दौड़ते कि पूरी लाइफ में उतने ज़ोर से नहीं दौड़े,
यानी यहाँ पे क्या होगा, बॉडी फंक्शंस क्विक होगा, फास्ट होगा यहाँ पे बॉडी फंक्शंस। नॉर एड्रेनालिन या फिर नॉर इपिनेफ्रिन सेम एज एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जैसे ये काम करेगा, बट इट एक्ट्स एज इम्यून सप्रेसर, ये इम्यून सिस्टम को दबा देगा। अब इम्यून सिस्टम को दबा देगा तो यहाँ पे टी सेल और बी सेल प्रोड्यूस नहीं होंगे, होंगे लेकिन कम होंगे। तो ये मोस्टली ऑपरेशंस में यूज़ होगा, जब भी कोई ऑपरेशन या फिर सीजर्स कोई भी करते यानी बॉडी फाड़ते, तो वहाँ पे पहले नॉर एड्रेनालिन का इंजेक्शन देते, यानी इसका इम्यून सिस्टम यहाँ पे कम हो जाना चाहिए, तो वो ऑपरेशंस सही ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट पैंक्रियास। अब पैंक्रियास ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स का ये फंक्शन फॉर्म करेगा। एंडोक्राइन पार्ट्स मोस्टली आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस, ये जो पार्ट है आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस, ये मोस्टली एंडोक्राइन ही पार्ट होगा, बाकी एक्सोक्राइन बहुत कम काम करेगा। ये आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस में पांच तरह के सेल्स होंगे जो डिफरेंट टाइप के पांच हार्मोन सिक्रेट करेंगे। तो पहले अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल, ये पांच तरह के सेल्स होंगे। देखेंगे अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रेट करेगा, इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहेंगे, ये शुगर लेवल बढ़ा देगा, हाइपर मतलब हाई, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज लेवल, ये ग्लूकोज लेवल हाई करेगा। ग्लूकागॉन हो अगर होगा बॉडी में तो ग्लूकोज लेवल हाई होगा। बीटा सेल ये इंसुलिन सिक्रेट करेगा, इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होगा, हाइपो मतलब लो, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की लेवल को कम करेगा, यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दोनों एंटेगोनिस्टिक होंगे। अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो बॉडी का ग्लूकोज लेवल सेम रहेगा, मेंटेन रहेगा, लेवल में रहेगा। इंसुलिन को एनाबॉलिक हार्मोन भी कहेंगे क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस से फॉर्म होगा। गामा सेल्स गैस्ट्रिन फॉर्म करेगा, ये स्टमक के गैस्ट्रिक सेल को एक्टिव करेगा HCl प्रोड्यूस करने के लिए। डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन्स, ये अल्फा और बीटा सेल की फंक्शन को कंट्रोल करेगा, विदाउट सोमास्टैटिन ग्लूकागॉन और इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। एफ सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करेगा, ये गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, अगर गैस्ट्रिन ज़्यादा फॉर्म हो गया तो गैस्ट्रिक सेल हाईली एक्टिव रहेंगे और स्टमक में HCl ज़्यादा होगा, अगर स्टमक में HCl ज़्यादा होगा तो इंटेस्टाइन में HCl ज़्यादा बहेगा। तो यहाँ पे HCl की वजह से स्टमक भी हार्म होगा और इंटेस्टाइन का कुछ लेयर भी हार्म होगा, तो ये ना हो इसलिए पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करेगा, गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को कंट्रोल में रखेगा। तो ये जो पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज सबसे इम्पोर्टेंट वर्क करेगा, पैंक्रियाज और एड्रेनालिन। नेक्स्ट किडनी। किडनी तो कोई सिर्फ ऑर्गन है लेकिन ग्लैंडुलर पार्ट किडनी के अंदर होगा, या फिर कोई दूसरा ऑर्गन, दूसरा हार्मोन या फिर दूसरे ग्लैंड्स की जो हार्मोन सिक्रेट करेगा वो हार्मोन किडनी में एक्टिव रहेगा। देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, पता है एक्सक्रीट रेनिन दैट कंट्रोल अल्डोस्टेरॉन लेवल थ्रू रेनिन एंजियोस्टेन मैकेनिज्म, अल्डोस्टेरॉन लेवल को ये मेंटेन रखेगा, रेनिन किसकी वजह से, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की वजह से। अब रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कैसे फॉर्म होगा, एंजियोटेंसिन ये लीवर फॉर्म करेगा और रेनिन किडनी फॉर्म करेगा। रेनिन कहाँ पे किडनी फॉर्म, किडनी में कहाँ पे फॉर्म होगा, जहाँ पे नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन में ग्लोमुलरस फिल्टर और DCT ये जहाँ पे अटैच होते वो जो सेक्टर है वो JG कॉम्प्लेक्स कहेंगे उसको, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स रेनिन ये हार्मोन सिक्रेट करेगा, वो नेफ्रॉन के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, मतलब वहाँ का ब्लड प्रेशर रेनिन और एंजियोटेंसिन ये दोनों मेंटेन रखेंगे। किडनी प्रोड्यूसेस इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन फॉर्मेशन ऑफ RBCs, ये RBCs फॉर्म में भी काम करेगा,
रेगुलेट इरिथ्रोपोइसिस और हिमाटोपोइसिस इन बोन मैरो, बोन मैरो को एक्टिवेट करेगा आरबीसीस प्रोडक्शन में। ठीक, ये किडनी का सेक्शन होगा। किडनी में डिफरेंट टाइप के सेक्शंस दिए हैं। ये जो सेक्शन है मेडुला, यहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब नेफ्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो रेनिन भी यही से प्रोड्यूस होगा। लीवर, लीवर को ग्लैंड कहा है, लार्जेस्ट ग्लैंड होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन एज अ ग्लैंड ये बहुत कम काम करेगा, लेकिन एज अ ऑर्गन ये सबसे ज़्यादा काम करेगा। नियर अबाउट 65-70% बॉडी वर्क सिर्फ यही एक ऑर्गन करेगा। प्रोड्यूस एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन, या एंजियोटेंसिनोजन फॉर्म करेगा, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन में, और एंजियोटेंसिन क्या ब्लड थ्रू किडनी में शिफ्ट होगा, और किडनी किडनी में रेनिन फॉर्म होगा, वहाँ पे एंजियोटेंसिन और रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म यहाँ पे फॉर्म होगा, और ये किडनी में से ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगा। नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में जो ब्लड प्रेशर हाई बढ़ेगा उसे मेंटेन रखने का काम रेनिन एंजियोटेंसिन करेगा। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये एंजियोटेंसिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा, एड्रेनलिन ग्लैंड, पैंक्रियास, किडनी और लीवर में, तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।